हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संडे Q&A में। आपने कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल पूछे थे, उनका आज मैं जवाब देने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। और एक बात दोस्तों कि आज होली है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला सवाल है आनंद कुमार सिंह का। इनका सवाल ये है कि Redmi 9 Prime में कैमरा साफ नहीं आता जब जूम करता हूँ तब। तो देखिए सर, इसके अंदर ऐसा कुछ सेटिंग्स तो नहीं होता कि आप ज़्यादा जूम करो और पिक्चर क्वालिटी जो है वो अच्छी ही आए, यानी कि पूरा क्लियर क्वालिटी आपको मिले, ऐसा कोई भी इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर 2x प्रोफेशनल जूम है, तो आप ज़्यादा जूम करके फ़ोटो क्लिक करो ही मत, अदरवाइज़ तो कोई ऑप्शन है नहीं। ज़्यादा जूम करोगे तो ऑब्वियसली आपकी फ़ोटो क्वालिटी जो है वो फट जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है विपुल कुमार का। इनका सवाल ये है कि सर, मैंने ये ऐप डाउनलोड की हुई है, लेकिन ऐप अपने आप ही दिखना बंद हो जाती है एंड स्पीड नहीं दिखती। इन्होंने कमेंट किया है वीवो V20 इंटरनेट स्पीड मीटर में। तो देखिए सर, ये एक वीवो का सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, इसके अंदर मैं या आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब पता नहीं कंपनी क्यों ऐसा कर रही है, जो न्यू मॉडल से उनके अंदर हमें स्पीड मीटर देखने को नहीं मिलता है, ऐप्स हाइड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो अब पता नहीं ये कब फिक्स होगा, लेकिन मेरे फ़ोन में भी ऐसा ही होता था, और मैंने वीडियो में भी बताया था कि इसको बैकग्राउंड में लॉक करके रखना। हम ऐसा करते तो भी ये ठीक तरीके से काम नहीं करता, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है अभिषेक कुमार का। इनका सवाल ये है कि हमको कब अपडेट मिलेगा सर, हमारा भी A9 2020 है, C75 कैसे मिलेगा। तो देखिए अभिषेक, इसके अंदर कोई भी डेट फिक्स नहीं होती कि ओप्पो कंपनी कब किसको किस टाइम पे अपडेट देती है, यानी कि जब भी इस फ़ोन के अंदर कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं ऑब्वियसली उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ओप्पो A9 2020 के अंदर C75 अपडेट मिल चुका है। अदरवाइज़ तो कोई डेट फिक्स नहीं होती कि इसी डेट पर सबको अपडेट मिलेगा। तो आप शांति से वेट कीजिए, जब भी अपडेट मिलेगा तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है सुचित यादव DR का। इनका सवाल यह है कि वीवो Y20 MA नेटवर्क का डेटा स्पीड कैसे शो होगा, बताएं। तो देखिए सर, ये जो फीचर्स का वीडियो है उसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है डेटा स्पीड शो, यानी कि इस फ़ोन के अंदर आप डेटा स्पीड कैसे शो कर सकते हो। ये बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी, आप डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करते हो शायद, मैंने उसके अंदर एक अलग से वीडियो की लिंक दे दी है, तो आप डायरेक्टली वहीं पे जाइए वीडियो देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वीवो Y20A के अंदर आप डेटा स्पीड कैसे शो कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है अरविंद प्रसाद का। इनका सवाल यह है कि थैंक यू सर फॉर ऑलवेज पिकिंग माई क्वेश्चंस, सर माई न्यू क्वेश्चंस इज कुछ फ़ोटोज़ को हाइड कैसे करें। तो देखिए सर, आपके पास सबसे पहले तो कौन सा फ़ोन है वो डिपेंड करता है। आपके पास वीवो का फ़ोन है तो उसके अंदर एक सेफ फोल्डर या सिक्योर फोल्डर ऐसा कुछ आता है, उसके अंदर आप फ़ोटोज़ और वीडियो सब हाइड कर सकते हो। और अदरवाइज़ कोई भी ब्रांड का फ़ोन हो तो प्ले स्टोर के अंदर एक ऐप्स आती है ऑडियो मैनेजर, उसके अंदर भी आप फ़ोटोज़ वो सब हाइड कर सकते हो। तो आप डाउनलोड कर लीजिए ऑडियो मैनेजर, उसके अंदर आपके सारे फ़ोटोज़ जो है वो हाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है कुंदन कुमार का। इनका सवाल ये है कि सर, अपडेट करने से क्या होता है, क्या अपडेट करना पड़ता है। तो देखिए सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपना फ़ोन जो है वो अपडेट कीजिए ही, क्योंकि क्या होता है कि कंपनी ने कुछ बग फिक्स किए होते हैं जो अपडेट के ज़रिए से वो सॉल्व कर देते हैं, यानी कि आपके फ़ोन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स किया जा सकता है, इसीलिए कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट पुश करती है। तो अब डिपेंड करता है आप पे कि आपको अपडेट करना है या नहीं करना। तो दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है नफीसा खान का। इनका सवाल ये है कि भाई, आप गिव अवे कब करोगे। तो देखिए, 50K जब सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए तब मेरी इच्छा थी कि मैं गिव अवे करूँ, लेकिन सबसे पहली बात, मुझे गिव अवे करना ही नहीं आता ये सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कभी मैंने किसी गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया, और वो सब सारी प्रोसेस कैसे करते वो मुझे कुछ भी पता नहीं। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक गिव अवे करूँ हमारी चैनल पर। अब मैं नेक्स्ट 100K सब्सक्राइबर हो गए तब मैं इसके अंदर गिव अवे करूँगा, तो अब तब तक वेट कीजिए, बहुत ही जल्द वो भी ख़त्म हो जाएगी। 50K तो हो चुके हैं, तो तब हम गिव अवे करेंगे, आप ज़रूर से पार्टिसिपेट करना। तो दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है बंटी जी का। इनका सवाल यह है कि ओप्पो रिनो 5 लेना चाहिए या फिर वीवो X60, यानी सजेशन।
तो देखिए बंटी जी, आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? तो मेरे ख्याल से वीवो X60 ले लो आंख बंद करके। उसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है ओप्पो रिनो 5 प्रो से। उसका भी कुछ कैमरा ख़राब नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली काफ़ी वीवो X60 का कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी और परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप वीवो X60 ले लो। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट सवाल है नानक सिंह का। ये बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि वीवो X60 के अंदर जो मैंने फोटोग्राफी क्लिक की थी उसके अंदर 2 Gen 2021 का कैमरा शॉट दिखा रहा था। तो देखिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने बहुत पहले 2 Gen से मैंने कैमरा फ़ोटो जो है वो क्लिक करके रखी हुई है और वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा था उसी दिन सुबह से क्लिक किए हुए वो फ़ोटो है, लेकिन उसके अंदर हुआ यूँ कि जब मैंने उस फ़ोन के अंदर वाटरमार्क चालू किया तब मैंने डेट भी ऑन कर दी थी और उस फ़ोन के अंदर मैंने टाइम एंड डेट सेट नहीं किया था, उसकी वजह से आपको 2 Gen का पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का संडे Q&A। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमारे किसी भी वीडियो पे आस्क किसू लगा करके कमेंट कीजिए, तो हम नेक्स्ट संडे आपका भी कोई सवाल होगा तो पिक कर लेंगे। और एक बात दोस्तों कि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप डायरेक्टली वहीं पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।